जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा, मैं सुधर विजय ओम प्रकाश तिवारी, भारतीय सेना। दोस्तों वीडियो बनता है इसलिए वीडियो बन रहा है, जय में शानदार जानदार, ठीक है, पॉजिटिव मैसेज के साथ है और जो होना चाहिए, ठीक है। ये वीडियो जो है पुलिस प्रशासन के लिए है और उत्तराखंड पुलिस के लिए है, और उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है, नमन करता है। इंडिया आर्मी का सोल्जर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और नमन करता है। वो अपने पुलिस प्रशासन जो है ना, अपने तहे दिल से शानदार और जानदार काम कर रहा है, बहुत बढ़िया ड्यूटी को अंजाम दे रहा है, ठीक है। अभी जो है ना, बिना हेलमेट के जो बाइकर हवा में दौड़ते हुए नजर आ रहे थे ना, फर्राटे के साथ, ठीक है, और बहुत कम हो गए, नाके बराबर हो गए हैं, और बहुत अच्छा हो रहा है। काफी गाड़ियां सीज भी की है पुलिस प्रशासन ने। मैं थाना अध्यक्ष महोदय का तहे दिल से, लोकेश जी सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है इसको इस कार्रवाई को जो है बहुत सख्ती के साथ, बहुत ही तरीके से जो है, बिल्कुल मतलब पॉजिटिव तरीके से अंजाम दिया हुआ है, ठीक है। और जिससे क्या हो गया, हेलमेट पहनने की जो का दौर है ना, जो उत्तराखंड के अंदर आ चुका है, तो हेलमेट जो है बिल्कुल लोगों के सिर पर होगा। अगर जो लोग हेलमेट अभी भी निकाम चोरी कर रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, तो उनसे बाय ऑर्डर पहनवाया जाएगा, ठीक है। ये पुलिस प्रशासन का वादा है कि इन लोगों से जबरदस्ती बाय ऑर्डर क्या कहते हैं, हेलमेट पहनवाया जाएगा और पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ इनको जो है आदत डाली जाएगी गाड़ी में चढ़ने की, ठीक है। दोस्तों ये जो भी मैसेज होता है ना, पुलिस वाले जो होते हैं, आपको आपको डराने के लिए हो नहीं है। अगर सामने से कि बैंड से पुलिस वाला खड़ा है नाके पे, तो इसमें आप ये मतलब नहीं है कि वो आपका दुश्मन खड़ा हुआ है और आप डर के मारे हाथ पाँव के फूल जाए। यार आपका दोस्त है, वो आपका भाई है, समझ में समझ गए। अगर आपने चोरी नहीं करी कि आप पॉजिटिव हो, आप गाड़ी के पूरे कागज लेके चल रहे हो ना, अगर आप गाड़ी के पूरे कागज लेके चल रहे हो, सब कुछ लेके चल रहे हो, पॉल्यूशन हो गया, RC हो गई, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, और आपकी गाड़ी सब ठीक है, आपको क्या दिक्कत है? आपको अपना हेलमेट पहना हुआ है, प्रॉपर है, तो आप अगर रोकते हैं तो आपने रुक गया सम्मान के साथ, और जो जो आपसे बोलते हैं कि ड्राइवर से तो ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना है, पॉल्यूशन बोलते हैं पॉल्यूशन दिखाना है, RC बोलते हैं RC दिखाना है, ठीक है, इंश्योरेंस बोलते हैं तो इंश्योरेंस दिखाना है, तो इस पर डरने की क्या बात है यार, और लाइसेंस बोलते हैं लाइसेंस दिखाना है, वो आपको इसके बाद कोई आपका दुश्मन तोड़िए जो आपको घबरा रहा है, वो तो आपको और तहे दिल से शुक्रिया अदा करेगा यार। कम से कम मतलब ये भाई ने जो है कम से कम पूरे डॉक्यूमेंट के साथ और प्योर हेलमेट के साथ चल रहा है, ठीक है। अगर आप हेलमेट पहन के रोडों के अंदर चलते हो ना, तो आप दूसरे लोगों के लिए जो अनबाइकर है, जो दमन टाइप के बाइकर है, जो हेलमेट पहनना पसंद नहीं करते हैं, और जिसमें से 15% दुनिया से जा भी चुके हैं देश के अंदर, उनके जाने का रीजन क्या है? फास्ट गाड़ी का चलाना और बहुत ज्यादा स्पीड से, ओवर स्पीड से गाड़ी को चलाना और हेलमेट का इस्तेमाल ना करना, ठीक है। उदाहरण के अंदर इस पर डेड केस कुछ काफी, अभी दिनों में भी काफी डेड केस हुआ है, ठीक है। ये मैसेज जो है ना, ये उन लोगों के लिए जो हेलमेट पहनने में भी नखरे कर रहे हैं, और पुलिस प्रधान थाना से महोदय ने बोला हुआ है कि अभी नाके ऐसे से जो भी हेलमेट अभी नहीं पहन रहे हैं ना, उनके लिए वीडियो दोस्तों कान खोल के सुन लो, अभी ये नाके ऐसे से मिलेंगे आपको, ठीक है। पुलिस के क्या सरप्राइज हो जाओगे कि यहाँ पर पुलिस वालों ने नाका लगा रखा है डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, हेलमेट चेक करने के लिए, समझ गए समझ गए। और जो टीनेजर है, बच्चे है ना, छोटे जो छोटे बच्चे हैं, वो अपना हेलमेट पहनना तो छोड़ो, तुम गाड़ी को देखना ही भूल जाओ सपने में भी, समझ गए। अगर अंडर एज हो तो आपको गाड़ी लागू नहीं है, ठीक है। अब माँ बाप के लिए सिर दर्द बन जाओगे, ठीक है। इसलिए जो है मेहरबानी करके गाड़ी को भूल जाओ, जब तक ऊपर मतलब अपनी शर्त में नहीं आते तो गाड़ी चला के, और आपके पास प्रॉपर लाइसेंस, वैलिड लाइसेंस नहीं होता है, ठीक है, सब तक डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते, आप गाड़ी चलाने के हकदार हो भी नहीं। और जिनको डायरेक्ट गाड़ी चलाने लागू है, एज के हिसाब से मेहरबानी करके अपने पूरे डॉक्यूमेंट अपने साथ रखिए, समझ नहीं समझ गए। और ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉपर रखिए, प्योर ओरिजिनल हेलमेट पहनिए। मैंने पहले ही बताया, फ्लिपकार्ट अमेजोन के अंदर ओरिजिनल साधन सब बहुत बढ़िया बड़े अच्छे अच्छे हेलमेट आते हैं, और उनको मजबूत वाले हेलमेट पहनिए, ताकि कोई मजबूत दिक्कत हो तो आप कम से कम यार अपनी जान तो बचा सको, ठीक है। कहने वाले ने कहा ना, पुलिस वाले आप मतलब हेलमेट जो है पुलिस से बचने के लिए नहीं है, आपके बचाव के लिए है, ठीक है दोस्तों। और पुलिस वाले जो है बहुत, पुलिस वाला, पुलिस प्रशासन बहुत शानदार काम कर रहा है, जनहित में कर रहा है, और उत्तराखंड को उभारने में पुलिस प्रशासन का बहुत योगदान है, जिसमें आपने देखा होगा काफी खेपे चरस वगैरह की भी पकड़ गई है नशा मुक्ति केंद्र करने के लिए। उत्तराखंड की पुलिस जो है, उत्तराखंड की जो पुलिस है ना, कमर बंद है, ठीक है। उत्तराखंड की जो पुलिस है ना, कमर बंद मतलब अपनी कमर बंद करके बिल्कुल सख्ती से लग चुकी है, और जितने भी नशा वगैरह वगैरह जो सप्लाई करने वाले हो, जितने भी स्मगलर दबंग टाइप के लोग है ना, जो सोच रहे कि हम लोग इनके नाके से निकल जाएंगे, बचना मुश्किल है, समझ गए समझ। पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जाती है, पुलिस वालों की नजर वहां जाती है जहां तुम्हारा सोचा भी नहीं होगा, समझ गए समझ गए। तुम क्या सोच रहे हो कि हम ऐसे बचा के ले जाएंगे? तो जितने भी ऐसा है ना, जो भी बच्चे नए नए बच्चे बहुत पैसा जल्दी कमाने के चक्कर में जो ना नशे के व्यापार में लिप्त है, ठीक है, और जो इस पर लोग इनके इनका फायदा उठाते हैं, जिनमें पढ़े लिखे बच्चे जो है ना, ये गलत आदतों में पड़ गए, जिससे उनका भविष्य खराब हो रहा है। जैसे परसों की घटना में दो लोग पकड़े गए हैं, तो बच्चे ही तो पकड़े गए हैं, वो जो चरस के साथ पकड़े गए थे पहले, तो कुछ दिनों पहले, ठीक है। भविष्य खराब हो गया, फ्यूचर खराब हो गया, ब्लैक लिस्ट में आ जाओगे पुलिस वालों के, ना कहीं की नौकरी के काम के रहोगे, ना इज्जत के, ना सम्मान के, ना माँ बाप के रिस्पेक्ट के काम के रहोगे यार दोस्तों,
ठीक है, अगर माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया ना, आपने बेरोजगार भी हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। बहुत जल्द वीडियो आएगा, लोग कैसे कैसे करके, लोग बहुत जल्द एक वीडियो आपके सामने आएगा, लोग कैसे कैसे मेहनत करके अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं मेहनत करके, समझ गए। बेरोजगार होना कोई गुनाह नहीं है। अगर हर किसी को नौकरी नहीं भी मिली है ना, काफी ऑप्शन है बिजनेस करने के, छोटे मोटे 5-5 हजार रुपये में बिजनेस खुल जाते हैं, समझ गए समझ गए। तो मैं छोटे मोटे दिल्ली में लोगों के लिए खुलवाई भी है, ठीक है। तो ये चीजें कोई दिक्कत नहीं है। शर्माना, नियत शर्माना, चोरी, हरामखोरी, घूसखोरी, गद्दारी में और काम चोरी से घबराना है दोस्तों। और बाकी सच काम करते हो ना, सच बोलना तो खाने में खाना पड़ता है। और सच बोलोगे तो कह रहे हैं ना, वो मतलब जो सच बोलने से ना ऐसा होता है ना, सच बोलने से क्या है, आपके दुश्मन भले ही ज्यादा हो जाए ना, लेकिन जो आपको चाहने वाले 2% भी होगी वो हजारों के बराबर है भाई, समझ गए। और समाज में पॉजिटिव मैसेज आता है। कोई भी चीज़ ऐसी गलत देखते हो तो आप लोग टोको यार, बताओ उनको यार प्लीज बच्चे ऐसा मत कर इसमें चीज़ पे। अगर कोई लेडीज, परसों की घटना है, मैं दौड़ ले जाता हूँ शाम के समय, तो मार्केट के अंदर एक लेडी स्कूटर में जा रही थी, प्रॉपर दोनों का हेलमेट था, बहुत खुशी होती है अगर बिटिया ने भी वो हेलमेट पहना था, लेकिन पीछे वाली बिटिया ने जो है हेलमेट जो है हाथ में पकड़ा हुआ था। तो मैंने स्कूटर पर रोक के उन मैडम को समझाया, तो मान गए यार, वो कह रही थी बिटिया पहन नहीं रही है। तो बच्चे बच्चों जो भी टीनेजर बच्चे जो हेलमेट जो पहन जो देख रहे ना, प्लीज मेहरबान करके हेलमेट पहनो, ठीक है। हेलमेट सेफ्टी के लिए है और आपकी जान बचाएगा, ठीक है। वो आपका दोस्त है, अगर आप 2 व्हीलर में निकल रहे हो ना, तो वो आपका सबसे खास दोस्त है, उसको पक्का अवॉइड कभी मत करो। शर्म के मारे यार मेरे को हेलमेट पहनना पड़ रहा है, ये ईगो आप कहाँ से, किसने सिखा दिया आप लोगों को कि हेलमेट नहीं पहनने से बेइज्जती होती है। हेलमेट नहीं पहनने से बेइज्जती, हेलमेट पहनने से बेइज्जती होती है, हेलमेट नहीं पहनने से आपकी बेइज्जती होती है। जब आप बिना हेलमेट के गाड़ी चलते जाते हो ना, लोग कहते हैं यार देखो मूर्ख जा रहे हैं, ठीक है। गाड़ी पूरी मेक ओवर तभी होती है जब आप हेलमेट के साथ पे बैठते हो, आपके डबल पूरे होते हैं, तब गाड़ी जचती है, बंदा भी जचता है कि हाँ यार ये देखो बंदा कितने डिस्क में अपने साइड में चल रहा है। और कोई भी है ना फोर व्हीलर वाला, कोई भी अपने डबल पूरे रखो और गाड़ी शिद्दत से और सही तरीके से ओवर स्पीड में मत चलाओ। और बैंड के सामने मैं बहुत देखता हूँ, बहुत घटना देखने को आई है, ये मेरा उन लोगों से बड़ा हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज मेरा भाई, बैंड के टाइम में ना, बैंड जहाँ पर आता है जो यू टर्न है, ब्लाइंड बैंड आते ना, वहाँ कहीं गाड़ी हल्की कर लो। मैंने पिछले वीडियो था गाड़ी हल्की कर लो, हो सकता है कि आप बिल्कुल सही हो, आप स्लो चल रहे हो और बहुत अच्छी बात है, अपने साइड में चलोगे ना स्लो चलाओ, हाँ, और उधर से कोई रॉन्ग साइड से आ जाएगा ओवरटेक करेगा भी, मतलब ब्लाइंड बैंड में भी लोग ओवरटेक करने से नहीं मतलब कतराते हैं, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो जो बहुत ही गलत है, ठीक है दोस्तों। तो मेहरबानी है, प्लीज बह के हेलमेट पहनना शुरू कर दो, क्योंकि आपको अगर जो हेलमेट दिए बच्चे और जो गली गली में घुस के सोच रहे ना हम बच जाएंगे, तो आपको वहां जगह बचा कि वहां पर पुलिस पकड़ ना कि मैं पकड़ेगी, जहां आपने सोचा भी नहीं होगा कि नाका लगा हुआ है, ठीक है। काफी गाड़ियां जमा कर दी है पुलिस प्रशासन ने और हो रही है, उत्तराखंड पुलिस बहुत ही शानदार चंदा कर रही है। नया मुक्त के लिए जो पुलिस प्रशासन ने जो अभियान छेड़ा है ना, बहुत शानदार है। पुलिस के लिए छोटे एक जवान से लेकर ना बिलियन जवान से लेकर जो 24 मतलब यार सेना के काम के बराबर भी पुलिस वालों का काम है यार भाई, ठीक है। मेन मेन त्यौहार से लेके हर जगह ना, जितने भी त्यौहार होते हैं, जितना भी कुछ होता है, वो भाई जो है ना त्यौहारों में अपने घर नहीं होते यार, क्योंकि तुम त्यौहार मना सको करके वो लोग ड्यूटी में होते हैं, और ग्राउंड में कोई दंगा फसाद इस तरीके से ना हो जाए या कोई प्रॉब्लम अनोखी घटना ना हो जाए करके वो ड्यूटी में रहते हो, उस समय वो लोग एंगेज हो जाते हैं। 15 अगस्त आप देखते हो, 26 जनवरी आप देखते हो, फरवरी देखो ठिकाना, ये देखते हो दिवाली, दशहरा वगैरह, लेकिन उस समय ऑलरेडी उनकी एक्स्ट्रा ड्यूटी लग जाती है। होली में आप होली में रंग घर मिलते हो, लेकिन आप प्रॉपर ड्रेस में रोडों में तैनात रहते हैं, कोई बच्चा मेरे नशे में कहीं नाली में ना गिर जाए और किसी को कोई हादसा ना हो जाए, ठीक है। तो मेहरबानी यार दोस्तों, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि जो है गाड़ी में प्रॉपर हेलमेट का इस्तेमाल करो, गाड़ी को स्लो चलाओ और आराम से चलाओ, बहुत ही अच्छे तरीके से चलाओ, ताकि आपका सम्मान हो और आप तो सब सकुशल घर पहुंचो यार। हेलमेट पुलिस से बचने के लिए नहीं है, आपको वापस घर पहुंचाने के लिए, परिवार से मिलने के लिए, समझ गए। तो ये वीडियो बनता था इसलिए मैंने बनाया है। तो बैंड में गाड़ियों को कभी स्लो कर दो यार, बिल्कुल स्लो कर दो, जीरो कर दो स्लो, और आराम से बैंड में निकालो। अगर कोई बंदा गलती से ओवरटेक करते तेजी से ला रहा ना, तो घटना वो घटना ना हो पाए, एक्सीडेंट वाली घटना, ठीक है। तो हेलमेट पहनो और सही तरीके से पहनो, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जर्नी में है यार, वीडियो बनाना पड़ता है। अगर आप बोर हो यार मेरे वीडियो से, तो यार ये वीडियो मरते दम तक आते रहेंगे यार, जो मैं देखता हूँ यार, मैं जो मैं नहीं करता ना, जो मैं नहीं करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरा भी ना करे जो जनहित में है, समाज के हित में, तो मैं चाहता हूँ यार लोग करें इसमें। कुछ लोग हंस भी रहोगे, कुछ कह रहे यार बेवकूफ़ है इसको, ये भी पूरा उसका ठेका लेगा, तो ठेका लेके रखा भाई, मरते दम तक जब अर्थी में नहीं जाऊँगा ना, तो ठेका अपना पक्का है, समझ गए। टोकने की आदत है, समझाऊंगा बच्चों को, रोकता भी हूँ, टोकता भी हूँ, लेडीजों को भी समझाता हूँ, और बुजुर्ग बुजुर्ग मिलते हैं उनको मिलता हूँ, उनको समझाता हूँ कि प्लीज आप हेलमेट भी, आप हेलमेट रहे तो आपके बच्चे ऑलरेडी पहनेंगे, जब आप ही खुद नहीं पहन रहे तो बच्चे कैसे पहनेंगे, ठीक है। तो पुलिस विभाग शानदार और जानदार काम कर रही है। तो दोस्तों जो भी बच्चे हैं ना, और ये भाग रहे हैं गाड़ियों में, अंधी दौड़ में बाइकर है, समझ जाओ बहुत ब्लाइंड जगह में आपको नाके मिलेंगे,
और आप फंस जाओगे और चालान इतना लंबा जाएगा कि रोते रोते हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि काफी लोगों को जो स्कूटी मोटरसाइकिल माँ बाप ने मेहनत करके खून पसीने कमाई से लोन में ला रखी होगी, किस्तों में चल रही होगी, और चालान काफी लंबे लंबे होते हैं, होश उड़ा देने वाले चालान होते हैं। ठीक है, लोन लेने की नौबंद आ जाए, प्लीज मेहरबानी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ठीक है कि आप लोग रिलैक्स, चलिए रिलैक्स, बिल्कुल आराम से, बड़े मलाई की तरह चले, मजा आएगा यार चलने में। ठीक है, जितनी भी स्पीड से चलाओ 10 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 मिनट बाद वो स्लो चलने वाला भी आपके पास टनकपुर पहुंच जाएगा, और तेज वाला जितना भी अंधा चलाए ना 10 मिनट का फर्क पड़ता है, बाकी कुछ नहीं पड़ता। ये जिंदगी में हमेशा याद रखना, मीडियम स्पीड, लॉन्ग रूट पर जा रहा हूँ मीडियम स्पीड में चलो, और बैंड में गाड़ी को स्लो कर दो, अपनी साइड भरो, इंडिकेटर हॉर्न का प्रॉपर इस्तेमाल करो, सब चाहे कम पानी है, कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद दोस्तों, वीडियो बनता है, वीडियो बनाया जरिए तो है, जिसको पसंद नहीं आया तो उसे माफी चाहता हूँ, लेकिन जो सच है तो सच है।